अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका सारे का सारे किचन में। और आज मैं बना रही हूँ सूजी और गुड़ का हलवा। तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। और ये मैं 2 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाल ली हूँ। दो लौंग और 2 इलायची डाल दूँगी। उसके साथ साथ ऐड कर लूँगी ये ड्राई फ्रूट है, बादाम है और आपका काजू है। इसको फ्राई कर लूँगी हल्का। उसके साथ साथ मैं किशमिश को भी ऐड कर लूँगी, पानी ऐड कर लूँगी। चुटकी भर नमक ऐड कर लूँगी 1 पिंच। इससे हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पानी बॉईल हो गया है, अब इसमें मैं भुजी हुई सूजी है ये ऐड कर दूंगी। ये 250 ग्राम सूजी है। चूल्हे को सिम करके 5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। तो चलिए फिर 5 मिनट हो गया है, अब मैं चेक कर लेती हूँ। हमारी सूजी बिल्कुल फूल चुकी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गुड़ को। गुड़ हमारे फ़ायदे की चीज़ होती है। हमारे इस्लाम में भी गुड़ को बहुत ही बना है कि जो चीज़ सब हमारे फ़ायदे के लिए है वो चीज़ हमारे इस्लाम में बताई जाती है। और ये देखिए गुड़ में ऐड कर दे रही हूँ। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में चीनी के अलावा गुड़ को भी रखिए। गुड़ से सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। अगर चीनी के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपकी सेहत में सुधार आएगा। तो आप लोग भी गुड़ से ही बनाने ट्राई करिएगा। अच्छी तरह से मिला लूंगी। ये 5 मिनट ढक्कन ढक के और पका लूंगी। तो 5 मिनट हो गया है, चलिए देखती हूँ। हमारा हलवा रेडी है। ये देखिए हमारा हलवा बनके बिल्कुल भी रेडी है। अब इसको सर्व कर लूंगी। तो ये गुड़ और सूजी का हलवा बनके रेडी हो चुका है। और आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।